सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात चल रही है कैलोरीमेट्री के बारे में और हम बात करें चेंज ऑफ फेज के बारे में, मतलब मेल्टिंग के बारे में या फिर वेपराइजेशन के बारे में बात चल रही है। इसको हम चेंज ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं एंड लेटेंट हीट के बारे में बात करें, बिकॉज लेटेंट हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट। तो अभी हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। आपको ये बड़ा टेक्निकल सा लग रहा होगा, बट इसको आप डेली लाइफ में बहुत बार देखते हैं, ठीक है। कभी भी जब आप किसी कुल्फी वाले को देखेंगे तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, कि जब भी हम इम्प्योरिटीज बढ़ाते हैं किसी भी चीज में तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो यहां पे हम लिख सकते हैं द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ओके, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज इम्प्योरिटीज इंक्रीजेस। अगर हम इम्प्योरिटीज बढ़ा देते हैं तो, जैसे कि अगर हम आइस का केस लें और उसमें सॉल्ट मिला दें तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से घट के -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है, ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन आइस मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। कहाँ था पहले? ऑफ कोर्स आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस, बट वो घट के कितना होगा? -22 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम कुल्फी बनाने के लिए, या फिर इसको हम एक फ्रीजिंग मिक्सर भी बोलते हैं। क्यों फ्रीजिंग मिक्सर है? फ्रीजिंग मिक्सर इसलिए है क्योंकि जैसे ही आइस में सॉल्ट यूज हम करते हैं, आइस में सॉल्ट हम मिलाते हैं, तो वो -22 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है, तो वो अपनी सराउंडिंग को फ्रीज कर सकता है। दिस इज हाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि जो कुल्फी वाले हैं वो कुल्फी कैसे जमाते होंगे बिना किसी आइस के, या बिना किसी लाइट के। दे डोंट हैव ए फ्रीजर, they don't have a freeze with them, they don't have electrical connection, but they are able to do that because they can decrease the temperature by -22 degrees Celsius. So melting point decreases as the impurities increases. You need to remember that very very important concept, and you can definitely relate it to your daily life, isn't it? So aage aane wale session mein hum melting ke bare mein to kafi baat kar chuke hain, ab hum boiling ke bare mein baat karna shuru karenge। Of course wo bhi latent heat ki wajah se hi hota hai। So till the time you stay tuned, you have a great time.